हेलो फ्रेंड्स। और मैं आज एक नया वीडियो लाया हूं जो कि मेलबिट लोशन के बारे में है। तो आज का ये वीडियो मेलबिट लोशन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैंने बनाया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेलबिट लोशन एक लोशन है जो कि हमको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, एक विटिलिगो नामक एक बीमारी के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विटिलिगो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो विटिलिगो हमारे स्किन का एक कंडीशन है जिसमें कि क्या होता है, हमारे स्किन में मतलब सफेद सफेद ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं। और उसमें क्या होता है, कुछ कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे कि हमारे ऐसे फिंगर्स और उसके साथ में हमारे जो लिप्स के जो साइड होता है, साथ में हमारे जो स्कल्प होता है और किसी किसी आदमी का नेक्स में भी या किसी किसी आदमी के लेग्स के जो उंगली होता है उसमें भी ऐसा मतलब व्हाइट कलर का पैचेस पड़ जाता है, तो उसको विटिलिगो कहते हैं। तो विटिलिगो में क्या होता है, विटिलिगो में जो हमारे शरीर में एक पिगमेंट रहता है जो कि मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। तो ये मेलानिन पिगमेंट हमारे शरीर को काला बनाने में हेल्प करता है, तो इसलिए ये मेलानिन सर्विस पिगमेंट रहता है। और ये साथ साथ में पिगमेंट हमको सनलाइट से भी प्रोटेक्ट करता है। तो जब हमारे शरीर में के किसी पार्ट में मेलानिन पिगमेंट कम जाता है तो शरीर का उस पार्ट सफेद हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम विटिलिगो कहते हैं। तो विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि अपने आप होता है, ये किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है। तो इस विटिलिगो जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ये मेलानिन मेलबिट जो सॉल्यूशन है ये यूज किया जाता है। तो मेलबिट सॉल्यूशन एक रिपिगमेंटिंग सॉल्यूशन है जो कि क्या करता है, आपका जो विटिलिगो का जो पार्ट्स है अगर आप उसमें यूज करेंगे तो यूज करने के बाद में क्या करता है, ये जो आपका जो नॉर्मल जो स्किन पार्ट होता है, जो पिगमेंटेड पार्ट होता है जहाँ के आपको जो मेलानिन सेल्स होता है उस साइड से वो क्या करता है, मेलानिन जो पिगमेंट होता है उसको जो अनपिगमेंटेड जो साइड है जहाँ पे मतलब व्हाइट व्हाइट जो पेचेस पड़ता है उस साइड में वो ड्रेन करता है। तो इसे क्या करता है, वो जो आपका विटिलिगो का जो समस्या है ये दूर हो जाता है, और इसका आपका जो स्किन है जो सफेद हो गया वो उसको फिर से रिपिगमेंट करने में हेल्प करता है। तो मेलबिट सॉल्यूशन ऐसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम मेलबिट सॉल्यूशन किस क्लास में इसको हम जानेंगे। तो मेलबिट सॉल्यूशन आपको डेकापेप्टाइड क्लास में पड़ता है। तो इसमें डेकापेप्टाइड इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि इसमें आपको 10 टाइप्स के इम्यूनो एसिड होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये 10 टाइप्स के इम्यूनो एसिड इसमें होता है, तो इसके लिए ये डेकापेप्टाइड क्लास में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम जानते हैं किस किस परिस्थिति में ये हमको यूज नहीं करना है। तो मेलबिट सॉल्यूशन अगर आपको सेम वाइटिलिगो जैसा दिखाया गया और एक स्किन का कंडीशन होता है जिसको कि हम टिनिया वर्सिकलर कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है, टिनिया वर्सिकलर और आपका जो वाइटिलिगो है दोनों में ये डिफरेंस है कि वाइटिलिगो हमारे शरीर में अपने आप होता है, ये ऑटो इम्यून एक डिजीज है, और टिनिया वर्सिकलर में क्या होता है, ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसके कारण हमारी स्किन का जो सरफेस खराब हो जाता है और स्किन में व्हाइट व्हाइट इसे सफेद पेचेस पड़ता है। तो टिनिया वर्सिकलर का केस में ये मेलबिट सॉल्यूशन आपको यूज नहीं करना है। तो अभी हम इसके हम डोजेस यानी इसका यूज करने के तरीका के बारे में जानेंगे। तो मेलबिट सॉल्यूशन का क्या करना है, आपको ऐसे पहले हाथों को धो के अच्छे से और जो एरिया में आप ये मेलबिट सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे उस एरिया को भी आपको अच्छे से धो लेना है। धोने का बाद में रात को सोने का टाइम में क्या करना है, आपको मेलबिट को जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को उसमें टॉपिकली अप्लाई करना है। टॉपिकली अप्लाई करने के बाद में पूरे रात तक इसे छोड़ देना है। उसके बाद में आप जब सुबह उठेंगे तो आपको क्या करना है, जो सनलाइट होता है जो मतलब अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट होता है जैसे कि आपको 7 बजे या 8 बजे या 6 बजे से जो सनलाइट होता है वो सनलाइट में आपको एक्सपोज होकर रहना है थोड़ा टाइम 10 या 15 मिनट। रहने का बाद में क्या करना है, फिर आपको जो एरिया है आपने अप्लाई किया था वो मेडिसिन वो एरिया को धो देना है। तो ऐसे करके डेली डेली आपको यूज करना है। और इसके साथ में और भी कुछ ऐसा मेडिसिन आता है जैसे कि टेक्रोलिमस है, टेक्रोलिमस के बारे में भी मैंने और एक वीडियो में बताया है। टेक्रोलिमस और ये आपका जो मेलबिट सॉल्यूशन है एक साथ में काम एक कॉम्बाइन करके आप लोग अगर यूज करेंगे तो आपका विटिलिगो की समस्या काफी हद तक दूर हो जाता है। और भी एक रिसर्च में पाया गया है कि 80-90% जो पेशेंट होते हैं विटिलिगो के ये मेलबिट जो सॉल्यूशन होता है या डेकापेप्टाइड जो सॉल्यूशन होता है इसका कॉम्पोजिशन ये लगाने से ये ठीक हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अभी हम इसके प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे किस किस कंडीशन में आपको सावधानी पूर्वक ये लगाना है। अगर किसी आदमी का अगर स्किन में ओवर हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर किसी को इसके प्रति एलर्जी है तो आप लोग ये मेडिसिन मत यूज कीजिए। तो ये मेडिसिन यूज करते वक्त आप लोग को कॉशन लेना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।